तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस टाइप की उर्दू शायरी वाली वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी कैपकट ऐप पर। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। छोड़ दिया हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो अभी यहाँ पर गाइज़, सबसे पहले आपने अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने कोई से भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप उर्दू शायरी लिखना चाहते हो। तो अभी ये वाली वीडियो ऐड कर लिया मैंने अपनी गैलरी से, और अभी यहाँ पर मैं आपको ये वाली वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल वीडियो यहाँ पर हमने अभी ऐड की है। और अभी यहाँ पर गाइज़ आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, आपने इस पिक्चर के ऊपर ब्लैक स्ट्रोक PNG को ऐड करना है। तो इसका लिंक जो है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने इसको जो है ना वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो अभी यहाँ पर आपने नीचे ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी से ब्लैक स्ट्रोक PNG को जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर कैपकट ऐप पर ऐड कर लेना है। और इसका साइज़ भी आप बड़ा या छोटा, या आप इसको अपनी वीडियो के जिस पॉइंट पर भी ऐड करना चाहते हो वहाँ पर जो है ना आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से जो इसका ड्यूरेशन है ना, आपने इसको अपनी कंप्लीट वीडियो पर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। और अभी गाइस यहाँ पर बारी जाती है उर्दू शायरी वाली लिरिक्स ऐड करने की। तो अभी यहाँ पर आपने दोबारा से ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपने अपनी गैलरी से उर्दू शायरी वाली ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो उठा लेनी है। तो इस टाइप की अनलिमिटेड वीडियोस आपने कहाँ से लेनी है वो भी जो है ना मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा। तो अभी ये देखेंगे कुछ इस टाइप की हमारे पास वीडियो है। तो अभी यहाँ पर नीचे आपने सप्लाइज के ऊपर क्लिक करना है, और अभी यहाँ पर आपने थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, और यहाँ पर आपने लाइटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको लाइटन करते हो ना, यहाँ पर देखे जो ब्लैक स्क्रीन थी ना इस लिरिंग्स के बैकग्राउंड में, वो यहाँ पर इस तरीके से रिमूव हो जाती है। और अभी गाइज यहाँ पर ये जो लिरिंग्स हमारे पास रह गई ना, आपने इसको ब्लैक स्ट्रोक PNG पर इस तरीके से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। तो अभी यहाँ पर ये जो लेरिंग्स है ना, अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है, और यहाँ पर आपने आ जाना है एडजस्ट पर, और यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है ना, यहाँ से आपने इसको 50% कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी यहाँ से आपने देख लेना, जहाँ पर जो है आपकी उर्दू लेरिंग्स वाली लेरिंग्स जो है ना अच्छे तरीके से ग्लो, उस पॉइंट से ना यहाँ से आपने इसकी सेटिंग को अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर भी मैं माइनस में या प्लस में इस तरीके से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए जो फाइनली हमारी वीडियो ना गाइज यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो लेरिंग्स है वो इस तरीके से प्ले होगी इस ब्लैक स्ट्रोक PNG पर, और यहाँ पर फाइनली जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर डन हो चुकी है। और अभी गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो ब्लैक स्क्रीन जो है उर्दू शायरी वाली वीडियोज़ हैं, ये आपने कहाँ से लेनी है। तो इसके लिए गाइज अभी आपने चले जाना है YouTube पर, और वहाँ पर आपने जाकर सर्च कर लेना है ब्लैक स्क्रीन उर्दू शायरी, ठीक है। तो आपको ना इस टाइप की उर्दू शायरी वाली वीडियोस काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं ब्लैक स्क्रीन के साथ। तो कैपकट ऐप पर भी मैंने आपको बताया था कि आपने जो बैकग्राउंड में ब्लैक स्क्रीन है इसको कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड आपको ना ब्लैक स्क्रीन उर्दू लिरिक्स वाली शायरी और जो है ना सॉन्ग्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए जो अभी लिरिक्स हमने यूज़ किया वो भी मैंने ये यूट्यूब से उठाई थी। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपने इन वीडियोस को यहाँ से अपनी गैलरी पर कैसे डाउनलोड करना, क्योंकि यूट्यूब के अगेंस्ट है। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना था, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।